आज दिनांक 14/10 को करीब 2 बजे रात्रि में जब हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और थाना नगर की टीम कुटिया चौराहे के पास चेकिंग कर रही थी, उसी समय इस बात की सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति अलग अलग गाड़ियों से बड़ी मात्रा में गांजा अपने साथ ले जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें एक्टिव हुई और उन्होंने उन गाड़ियों का फिर पीछा किया तो फुटैया से टांडा रोड पर आगे जा कर के लगभग 500 मीटर आगे इन तीनों गाड़ियों को रोका गया, और जिसमें एक गाड़ी वेलनो कार थी, एक DCM और एक बोलेरो कार थी। इसमें टोटल 9 व्यक्ति सवार थे और जब उन गाड़ियों की तलाशी ली गई तो उसमें से 3 क्विंटल गांजा 8 बोरियों में अलग अलग भरा हुआ था, और जो DCM थी उसके ऊपर काफ़ी मात्रा में झाड़ू और सीख की झाड़ू रखी हुई थी और उसके नीचे बड़े मात्रा में गांजा छुपा करके रखा गया था। अभियुक्त गणों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि वो लोग कटक उड़ीसा से बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी करते हैं और उसको बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में बस्ती, अम्बेडकर नगर आदि जनपदों में ले जा करके सप्लाई करते हैं। इस प्रकार से कुल टोटल 9 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और 3 क्विंटल 17 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 40 लाख रुपये है। और इस प्रकार से हमारी पूरी टीम द्वारा एक बड़ा अच्छा और सार्थक प्रयास किया गया, उनका एक गुड वर्क है, और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का पुरस्कार भी इन टीमों को दिया गया है। और इन अभियुक्तों के खिलाफ 175/2021 NDPS एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा गया।